रूमर्स के खिलाफ सलमान खान रेस 3 को यूएई में थर्सडे को ही रिलीज करने वाले हैं। सलमान खान स्टारर रेस 3 जो कि पॉपुलर रेस फ्रेंचाइज का थर्ड इंस्टॉलमेंट है, रेमो डिसूजा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें जबरदस्त एक्शन है और सलमान खान का अपना अंदाज है मिस्ट्री और थ्रिल को हैंडल करने का। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। इस फिल्म को यूएई में एक दिन बाद रिलीज किया जा रहा था। रूमर्स कह रहे थे कि ये फिल्म यूएई में नॉर्मली रिलीज होने वाली फिल्म्स की तरह थर्सडे को नहीं बल्कि फ्राइडे को रिलीज होगी एक दिन बाद। लेकिन अब ये रूमर्स को रोकते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने खुद बताया है कि जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो गलत है। यूएई को एक दिन लेट नहीं बल्कि सेम डे यानी थर्सडे को ही रिलीज किया जाएगा। यूएई और जीसीसी मार्केट में फिल्म को थर्सडे को रिलीज किया जाता है, जैसा कि और बॉलीवुड फिल्म्स के साथ होता है, तो वैसा ही यहां भी किया जाएगा। फिल्म का कोई अलग से प्रीमियर नहीं किया जाएगा। कुछ एक इंडस्ट्री फ्रेंड्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज की जाएगी और साथ ही मीडिया के लिए कुछ स्पेशल शोज होंगे जो कि फ्राइडे की सुबह होंगे, जैसा हमेशा होता आया है। फिल्म के लिए अलग से ट्रीटमेंट फाइनल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म है, इसका सस्पेंस लीक हो सकता है, लेकिन मेकर्स इस बात से परेशान नहीं है। वो थर्सडे को फिल्म को यूएई में रिलीज करेंगे और उसके बाद फ्राइडे को मॉर्निंग में होगा मीडिया के लिए एक स्पेशल शो। फिल्म रेस 3 जिसमें सलमान खान के साथ नजर आएंगे अनिल कपूर, बॉबी देओल, जैकलिन फर्नांडिस, देसी शाह एंड साकिब सलीम। ये फिल्म 15 जून को रिलीज होगी और इसे डायरेक्ट किया है रेमो डिसूजा ने।